गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटे, आज हम लोग करेंगे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब देखो बेटे, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो बेटे, एजुकेशन हमारे ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। देखो एजुकेशन का क्या मीनिंग है बच्चों, एजुकेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। देखो बेटे, एजुकेशन क्या है, जो एक प्रोसेस है टीचिंग का, शिक्षण का, ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का और सीखने का, लर्निंग का। तो बेटे इसके कारण बेटे हमारी जो नॉलेज है ह्यूमन बींग की, नॉलेज क्या हो जाती है, काफी डेवलप हो जाती है। एजुकेशन इज द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। अगर हम बेटे हमारे देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो एजुकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। हाउ एवर कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हैज नॉट बीन सो एनकरेजिंग। अगर हम बेटे डेवलप कंट्री से हमारे भारत देश की तुलना करते हैं तो हमारे देश के अंदर बेटे शिक्षा बहुत ज्यादा विस्तारित नहीं हुई है, शिक्षा का बहुत अधिक विस्तार नहीं हुआ है। एंड इवन लिटरेसी रेट इन द कंट्री कंटिन्यूज टू बी वेरी लो। देखो बेटे हमारे देश के अंदर साक्षरता दर भी क्या है, काफी कम है। अब अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 बेयरली 74.04% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट एज अगेंस्ट 90-95% लिटरेसी इन लिटरेसी रेट इन 12 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो बेटे लिटरेसी क्या मतलब होता है, लिटरेट होता है बच्चों साक्षर, यानी कि साक्षरता दर। देखो बेटे लिटरेट पर्सन आर दोज पर्सन विच कैन हु कैन रीड एंड राइट ओनली, जो केवल बेटे लिख और पढ़ सकते हैं तो उसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं, लिटरेट पर्सन। तो बेटे लिटरेट पर्सन और एजुकेटेड पर्सन, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एजुकेटेड जो होगा बेटे वो डिग्री होल्डर होगा, उसको और पर्टिकुलर बहुत सारी नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा। लेकिन बेटे एक लिटरेट पर्सन वही है बेटे जो बेसिकली क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकता है। तो बेटे हमारे देश के अंदर लिटरेसी रेट 74.04% है, जबकि जो 12 कंट्रीज है वहां पर लिटरेसी रेट का परसेंटेज 90-95% है। बेटे एजुकेशन का मीनिंग जानने के बाद अब हम जानना चाहेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एजुकेशन के। जनरली वी ऑल नो दैट एजुकेशन इज अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ। इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे लिए एजुकेशन की, फर्स्ट वन इज एजुकेशन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एजुकेशन के कारण बेटे हम एक जिम्मेवार नागरिक बनते हैं, हमारे देश के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होती है। एजुकेशन क्या करती है, फैसिलिटेट करती है कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का जो हमारे देश के अंदर हमें अवेलेबल है उनका बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकें। इट एक्सपेंड्स मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल, लोगों के मानसिक क्षेत्र का भी विकास करता है, उनके सोचने के नजरिए में भी काफी डेवलपमेंट एजुकेशन से होती है। एंड इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके कारण आर्थिक विकास होता है, बिकॉज ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली ड्यू टू एजुकेशन। देखो बेटे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमारे देश में पार्टिसिपेशन रेट तभी बढ़ती है जब हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती है। तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती है तो पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा, और पार्टिसिपेशन रेट के बढ़ने से ह्यूमन बींग की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो जाएगी। नेक्स्ट वन, इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन, जितने भी नागरिक हैं उनके अंदर सांस्कृतिक सभ्यता का विकास करती है शिक्षा। इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनालिटी, नो डाउट बेटे हमारी पर्सनालिटी में बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट आता है जब हम बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि नो डाउट बेटे एजुकेशन हमें काफी उदार भी बनाती है, हमें बेसिकली जीवन के हर एक क्षेत्र में हर कठिनाई का सामना करने के अंदर लिए हमारी बहुत अधिक हेल्प करती है। तो बेटे इसलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब हम बात करते हैं नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन एजुकेशन एंड हेल्थ। हमें ऐसा क्यों लगता है कि सरकार को एजुकेशन में के लिए और हेल्थ में बहुत अधिक पार्टिसिपेट करने की जरूरत है बेटे, इसके बहुत सारे रीजन है। क्योंकि देखो बेटे हम भी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ना तो इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अगर इन्वेस्टमेंट कर भी देगा प्राइवेट सेक्टर बेटे अपने इन्वेस्टमेंट अपने कॉस्ट को रिकवर करने के लिए नो डाउट एजुकेशन की और हेल्थ की फैसिलिटीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा कर देगा। क्योंकि बेटे हमारे देश के अंदर जो फार्मिंग जो बेसिकली पॉपुलेशन है बेटे, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इन आवर इंडिया आर कंप्लीटली पुअर एंड दे आर नॉट एबल
to they are not able to achieve their services, and we can say that they are not able to obtain the services. That's why it is required to the government to need attention in the area of education as well as the health. अब देखिए बेटे, need for government intervention in education and health arises primarily on account of the following fact. First one, these sectors need huge investment with a very high fixed expenditure. देखो बेटे, इन सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बेटे जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना है या गवर्नमेंट स्कूल बनाना है, तो बेटे बिल्डिंग चाहिएगी, और बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेटे वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, जिसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी. सेकेंड वन, इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट सेक्टर से ऐसा एक्सपेक्ट करना कि वो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ को बहुत ही बेसिकली कम रेट पर प्रोवाइड कराएंगे, या बेसिकली अपनी कॉस्ट को रिकवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो काफ़ी हद तक गलत है. बिकॉज वो कोशिश क्या करेंगे कि वो हाई प्राइस के थ्रू अपने कॉस्ट को रिकवर कर सकें. एंड नेक्स्ट वन, पीपल इन पुअर कंट्रीज लाइक आर्ट्स. अगर हम बात करते हैं बेटे हमारे जैसे इंडिया जैसे देश में, जहाँ पर कि लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा निर्धन हैं, तो वहाँ पर बेटे इतने हाई प्राइसेस में एजुकेशन लेना, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं लेना, उनको अफोर्ड करना पुअर पीपल के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. दैट्स व्हाई दीज ऑल आर द रीजंस दे कंपेल द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टमेंट इन अ पब्लिक सर्विसेज जस्ट लाइक द सर्विस ऑफ एजुकेशन एज वेल एज द हेल्थ सेंटर्स. अब हम बात करते हैं बेटे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. भारत के अंदर एजुकेशन की ग्रोथ किस तरह से है, किस तरह से मतलब बेसिकली हमारे देश के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह से जनरल एजुकेशन की डेवलपमेंट हो रही है. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इंडिकेट द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन आवर इंडिया. जो हम ऑब्जर्वेशन रीड करेंगे बेटे, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर है उसका डेवलपमेंट हो रहा है. फर्स्ट वन, एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन. देखो बेटे, जनरल एजुकेशन टेबल वन क्या शो कर रही है कि 5 ईयर प्लान के दौरान हमारे देश में सामान्य शिक्षा का बहुत अधिक विस्तार हुआ है. जैसे आपको दे रखा है बच्चों कि 1950-51 के अंदर प्राइमरी और मिडिल स्कूल थे 2.23 लाख थे, अब 2015-16 के अंदर बढ़कर 1,270,000 हो गए हैं. ऐसे ही बच्चों हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, पहले 27 थी, अब बढ़कर 799 हो गई है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बच्चों प्राइमरी लेवल पर बेसिकली 19.15 लाख थे, अब बढ़कर 17 करोड़ हो गए हैं. तो बेटे ये सब ऑब्जर्वेशन क्या बता रही हैं कि हमारे देश के अंदर सामान्य शिक्षा का बहुत अधिक विस्तार हो गया है. बेटे आई नो इट इज मोर डिफिकल्ट टू लर्न ईच एंड एवरी फिगर, बट बेटे जो आपके क्वेश्चन के अंदर गई हुई है, जैसे 1951 की फिगर है, 50-51 की फिगर है, यहाँ पर आप बेसिकली प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स की फिगर लर्न कर सकते हो. जो आपको लगे कि आप अच्छे ढंग से लर्न कर सकते हो बेटे, वही लर्न करो. और दूसरी बात बेटे, अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई फिगर याद नहीं आती है, तो गलत लिखने के बजाय आप ना लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा. आप देखो बेटे, ड्यूरिंग द प्लान्स नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन हैज इंक्रीज रफली बाय 5 टाइम्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज 10 फोल्ड. इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों की बेसिकली योजनाओं की अवधि के दौरान बेटे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो पहले से 5 गुना बढ़ गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग 10 गुना बढ़ गए हैं. 1951 के अंदर हमारे देश के अंदर लिटरेसी रेट 18.33% थी, और जबकि 2011 के अंदर लिटरेसी रेट बढ़कर 74.04% हो गई है. अब एलिमेंट्री एजुकेशन कवर स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 to 8 क्लास इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स. एलिमेंट्री एजुकेशन बेटे बेसिकली 1 to 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए होती है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है. द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स हैज कंसिडरेबली इंक्रीज. हमारे देश के अंदर बेटे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्कूल काफी बढ़ गए हैं. 1950-51 में यहाँ पर बेटे 2.23 लाख थे, अब बढ़कर बेटे 12.70 लाख प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स बन गए हैं. हाउएवर लो परसेंटेज ऑफ एडमिशन इन अ प्राइमरी क्लासेस पॉइंट टू एजुकेशनल बैकवर्डनेस इन द कंट्री. बेटे देखो हमारे देश के अंदर प्राइमरी क्लासेस में बच्चों के परसेंटेज रेशियो काफी कम है, एडमिशन लेने का परसेंटेज काफी कम है, जो क्या शो करता है, सामाजिक पिछड़ेपन को दर्शाता है. अगर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस. हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक निर्धनता कहीं ना कहीं शिक्षा के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है. सेकेंडरी एजुकेशन की पॉइंट थर्ड, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन 1950-51 देयर वर 7.4 थाउजेंड
सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल स्कूल्स विद 15 लाख स्टूडेंट। देखो बेटे 1950 और 51 के अंदर अगर हम बात करते हैं वहां पर 7,400 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स थे और 15 लाख क्या थे स्टूडेंट थे। 2015-16 के अंदर सीनियर और सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बढ़कर 2.52 लाख और बच्चों की संख्या बढ़कर 3.2 करोड़ हो गई है। इन 1987-88 नवोदय विद्यालय वर इस्टेब्लिश टू इम्पार्ट मॉडर्न एजुकेशन टू गुड स्टैंडर्ड टू टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन ऑफ रूरल एरियाज। 1987-88 के अंदर जो नवोदय विद्यालय इस्टेब्लिश किए गए हैं जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है मॉडर्न एजुकेशन आधुनिक शिक्षा अच्छे आधुनिक शिक्षा गुड स्टैंडर्ड एजुकेशन टैलेंटेड स्टूडेंट को जो कि गांव के अंदर रहते हैं बहुत ही अधिक टैलेंटेड हैं कुशाग्र बुद्धि के हैं उन सबको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। उसके साथ साथ बेटे ये जो नवोदय विद्यालय है बच्चों के रहने की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं। एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं 565 नवोदय विद्यालय आर फंक्शनिंग, तो नवोदय स्कूल्स बेटे 565 है जो आजकल फंक्शनिंग कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज के एस्टेब्लिश केंद्रीय विद्यालय फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय विद्यालय यानी कि सेंटर के स्कूल जो खोले हैं बच्चों वो जो सेंटर में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं ट्रांसफर हो जाते हैं उनके बच्चों के लिए हैं। तो बेटे बेसिकली उनको बेनिफिट मिल सके उन बच्चों को उनके एजुकेशन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े। अब करेंटली द नंबर ऑफ सेंट्रल स्कूल्स इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड टू बी 1,128 एज अगेंस्ट 931 इन 2007। अब देखो बेटे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है बेटे 12.6 लाख हैं जो सभी के सभी सेंट्रल स्कूल से एजुकेशन लेते हैं। थ्री केंद्रीय विद्यालय आर आल्सो फंक्शनिंग, फर्स्ट वन एक तो है बेटे काठमांडू के अंदर, दूसरा है बच्चों मॉस्को के अंदर और तीसरा है तेहरान के अंदर जो बेसिकली केंद्रीय विद्यालय के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन हैज शोन ए कन्विंसिंग ग्रोथ ओवर टाइम। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन उस शिक्षा के अंदर बहुत अधिक वृद्धि हुई है। एज मैनी एज 799 यूनिवर्सिटीज आर प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन इन द कंट्री। 799 यूनिवर्सिटीज हैं जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेटे 40 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं जो बेसिकली उच्च शिक्षा का विस्तार कर रही हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं बेसिकली 39,071 है। अगर हम बात करते हैं बेटे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल यूनिवर्सिटीज आर इन 2015-16 इज 346 लाख। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी क्या करता है हमारे देश के अंदर हायर एजुकेशन को रेगुलेट भी करता है और उसको हर तरह से गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। यूजीसी आप सबने सुना भी होगा बेटे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना और उसको पूरी तरह से इंडिया के अंदर उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना है। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट हमारा वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखो बेटे सेकेंडरी एजुकेशन लेवल आप लोगों का है क्योंकि ट्वेल्थ के बाद बच्चों हम अगर बात करते हैं देर आर सो मैनी वोकेशनल कोर्सेज विच आर स्टार्टेड बाय आवर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन टू द 12th पास आउट स्टूडेंट्स। देखो बेटे 12th पास आउट स्टूडेंट या बेसिकली सेकेंडरी लेवल पर इन 11th 12th आप लोग बेटे शिक्षा ले सकते हो जो आपको एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। तो बेटे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है शिक्षा का व्यवसायीकरण। शिक्षा का व्यवसायीकरण का अर्थ क्या है कि सेकेंडरी लेवल पर स्टूडेंट्स को इस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि वो बेटे आफ्टर 12th अपने आप को एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ जोड़कर अपने जीवन का गुजारा कर सके। देखो बेटे बेसिकली इसी रेफरेंस में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, बहुत सारे स्कूलों को इकोनॉमिकली सब्सिडीज प्रोवाइड की है ताकि उन स्कूलों के अंदर बेसिकली एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन किया जा सके। अब देखो बेटे वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन फेब्रवरी 1988 द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च ए प्लान टू वोकेशनलाइज सेकेंडरी एजुकेशन। देखो बेटे फरवरी 1988 के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्लान लॉन्च किया था ताकि बेसिकली जो सेकेंडरी एजुकेशन है उस लेवल पर क्या किया जाए शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए। अंडर द प्लान फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन टू दो स्कूल्स हु स्टार्ट वोकेशनल कोर्स एट हायर सेकेंडरी लेवल। अगर हम बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस वित्तीय सहायता उन स्कूल्स को दी गई थी जो बेसिकली प्लस टू लेवल पर स्टूडेंट को बेसिकली व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे। आल्सो एफर्ट्स अंडर वे टू ड्रॉ
एम्प्लॉयमेंट प्लान फॉर दोज हु सक्सेसफुली कम्प्लीट द वोकेशनल कोर्सेज। और प्रयत्न इस बात के लिए भी किए गए थे कि जो स्टूडेंट्स वोकेशनल कोर्सेज को सही तरीके से सीख लेंगे उन सबको एक अच्छे रोजगार की सुविधाएं दी जाएंगी। बाय 2010-13 परमिशन वॉज ग्रांटेड टू 11,000 स्कूल इन द कंट्री टू स्टार्ट वोकेशनल कोर्सेज। 11,000 स्कूल हैं जिनको वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट करने की परमिशन दी गई थी और 10,00,000 ऐसे स्टूडेंट है बेटे जिन्होंने बेसिकली वोकेशनल एजुकेशन ली है। वोकेशनल कोर्सेज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द एरिया। वोकेशनल कोर्सेज को बेटे एग्रीकल्चर के अंदर, बेसिकली कृषि के अंदर, व्यापार के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, हेल्थ के अंदर, मेडिसिन के अंदर भी शुरू किया गया है। क्योंकि बेटे जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, कहीं ना कहीं प्लस टू पास आउट करने के बाद बच्चों के अंदर एक आत्मनिर्भरता को भी विकसित करेगा। सिक्स्थ पॉइंट है स्टूडेंट हमारा टेक्निकल मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन। सिंस इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सभी के सभी संस्थान, चाहे वो तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। इन 1951 देयर वर 43 डिप्लोमा लेवल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। देखो बेटे 1951 के अंदर जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस थे वो केवल 43 थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 1914 हो गई है। देयर वर 3400 रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफरिंग डिग्री लेवल टू द कोर्सेज डिग्री लेवल कोर्सेज इन डिफरेंट डिसिप्लिन। देखो बेटे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे देश के अंदर 3400 इंजीनियरिंग कॉलेज थे जो इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रदान करते थे, अब उनकी एडमिशन कैपेसिटी 1,500,000 स्टूडेंट पर ईयर थी। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटली बेटे हमारे देश के अंदर 289 मेडिकल कॉलेजेस हैं और जहां पर एडमिशन कैपेसिटी कितनी है 32,815 स्टूडेंट है। नंबर ऑफ डेंटल कॉलेजेस की बात करते हैं 282 है, जहां पर स्टूडेंट की एडमिशन कैपेसिटी कितनी है 22,680 है। मैनी रिसर्च सेंटर, बहुत सारे अगर हम बात करते हैं अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए थे देश के विभिन्न भागों में, जैसे फर्स्ट वन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आल्सो हैज बीन सेट अप इन द इंडस्ट्री। बहुत सारी बेटे बेसिकली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज यानी कि कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए थे ताकि किसानों को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। विद व्यू टू स्प्रेडिंग टेक्निकल एजुकेशन रूरल एरियाज कम्युनिटी पॉलिटेक्निक्स हैव बीन सेट अप। गांव के अंदर तकनीकी शिक्षा का विस्तार करने के लिए पॉलिटिकल कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी स्टैब्लिश किया गया। अगर हम बात करें बेटा प्रेजेंटली 617 कम्युनिटी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जो स्टूडेंट्स को गांव के अंदर यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रेजेंटली उनकी एडमिशन कैपेसिटी ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूशन 6.53 लाख और 3.54 लाख है। अब हम बात करते हैं बेटे 7th पॉइंट के अंदर रूरल एजुकेशन। रूरल एजुकेशन शिक्षा का विस्तार बेटे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेटे अगर हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत शिक्षा को भी पूरी तरह से प्रोत्साहित किया जाए। रूरल एरियाज हैव आल्सो विटनेस्ड वाइड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी शिक्षा का पूरी तरह से विकास किया गया। नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया ताकि रूरल सेक्टर के अंदर एजुकेशन के लेवल को बहुत अधिक बढ़ाया जा सके। अंडर दिस काउंसिल, इस काउंसिल के अंतर्गत 14 रूरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन फंक्शनिंग। इसी काउंसिल के अंतर्गत 14 ऐसे ग्रामीण शिक्षण संस्थान हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहे हैं और जो स्टूडेंट बेसिकली जो चिल्ड्रन शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, उनको बेसिकली पूरे सभी स्टेट्स के अंदर, सभी राज्यों के अंदर फ्री एजुकेशन देने का भी प्रोविजन किया गया है ताकि उन सबको भी शिक्षा का समान अवसर दिया जा सके। अब हम बात करते हैं 8 की बेटे एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन। इन ऑर्डर टू, एडल्ट क्या होता है बेटे, यौन शिक्षा जो कितने से कितनी उम्र के लोगों को मिलती है, 15 से 25 साल की उम्र के लोगों को। अब देखो इन ऑर्डर टू इरेडिकेट इलिटरेसी, हमारे देश के अंदर साक्षरता को बिल्कुल बढ़ावा देने के लिए और बात करते हैं निरक्षरता को बिल्कुल खत्म करने के लिए स्पेशली एडल्ट्स के अंदर स्पेशल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर एडल्ट एजुकेशन। तो बेटे एडल्ट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए गए ताकि हमारे देश में निरक्षरता को बिल्कुल खत्म किया जा सके और एडल्ट को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। इसके लिए बेटा नेशनल लिटरेसी मिशन को यानी कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को सेटअप किया गया था 1988 के अंदर। सिंस 1976 फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च, यानी कि 1976 के अंदर औपचारिक साक्षरता प्रोग्राम, औपचारिक शिक्षा प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एडल्ट को हर एक तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल एजुकेशन टू द यूथ
ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25। देखो बेटे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो युवक युवतियां बेसिकली 15 से 25 साल के हैं उन सभी युवकों और युवतियों को क्या करना है, शिक्षा प्रोवाइड करना है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन टू वीमेन, वीमेन को तकनीकी शिक्षा देने के लिए मैनी वीमेन पॉलिटेक्निक्स हैव बीन इस्टेब्लिश, बहुत सारे महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए। वीमेन एजुकेशन काउंसिल को एस्टेब्लिशमेंट किया गया ताकि महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट किया जा सके। देखो बेटे आप सबने सुना होगा आरटीई, आरटीई क्या है, राइट टू एजुकेशन। ये कब शुरू किया गया था बच्चों, 2009 के अंदर इंडिया के अंदर बेटे एक एक्ट अप्लाई किया गया था जिसको हम आरटीई के नाम से जानते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट प्रोमिसेस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल, सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। बेसिकली ये जो एजुकेशन राइट है 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इस प्रोग्राम के बेटा रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन निकले हैं। हाउएवर इट इज होप, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में जो आरटीई है, जो लोगों के सपने हैं, जो बच्चों के सपने हैं, उन सबको बेसिकली बेसिक एजुकेशन का जो सपना है फ्री ऑफ कॉस्ट उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। नाइन्थ पॉइंट है बच्चों हमारा टोटल लिटरेसी कैंपियन, यानी कि सभी को शिक्षा प्रदान करने का, बेसिकली इसके लिए एक टोटल लिटरेसी कैंपियन चलाया गया था। नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज लॉन्च टू रेंडर एवरीबॉडी लिटरेट इन अ कंट्री, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को लॉन्च किया गया जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सभी को साक्षर बनाना था। द प्रोग्राम हैज बीन रिकास्ट एज साक्षर भारत, एज साक्षर भारत विद अ सेंट्रल फोकस ऑन फीमेल एजुकेशन। इस बेसिकली प्रोग्राम को साक्षर भारत के रूप में कास्ट किया गया, रिकास्ट किया गया था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि फीमेल को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। द प्रोग्राम कवर्स, इस योजना के अंतर्गत, इस प्रोग्राम के अंतर्गत उन लोगों को कवर किया गया था जिनकी उम्र 15 या उससे अधिक थी। इट मे बी नोटेड दैट 11 करोड़ इलिटरेट्स इन अ कंट्री बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25 ईयर्स। इस बार बेटे ऐसा भी नोट किया गया कि बेसिकली हमारे देश के अंदर 11 करोड़ लोग अनपढ़ थे, बेसिकली कब 15 से 25 साल के लोग थे, वो 11 करोड़ लोग अनपढ़ थे, जिसके लिए बेटे टोटल लिटरेसी कैंपेन चलाया गया था ताकि उन सबको साक्षर बनाया जा सके। इन शॉर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट एफर्ट, सरकार के इतने एफर्ट्स के बाद बेटे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद हमारे देश के अंदर लिटरेट लोगों का परसेंटेज 4 गुना बढ़ गया, नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस कई गुना बढ़ गए। और नो डाउट रेट ऑफ लिटरेसी रेट, अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ लिटरेसी रेट, जो कि बेसिकली 1951 में 18.33% थी, अब बढ़कर 74.04% हो गई है। इन स्टेट ऑफ केरला इट इज 94%। अगर हम बात करते हैं दिसंबर 1993 इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ 9 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हेल्ड इन दिल्ली, ए प्लान टू गिव कंक्रीट शेप टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल हैज बीन फॉर्मुलेटेड। 1993 दिसंबर 1993 के अंदर बेटे एक बेसिकली वर्ल्ड के अंदर बेटे जो 9 मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यानी कि जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे देशों के बीच में एक सेमिनार, एक कॉन्फ्रेंस रखा गया जिसमें बेसिकली सभी को शिक्षा देने के ऑब्जेक्टिव को एक्सेप्ट किया गया। बेटे इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे 2 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए कि आरटीई को कब इम्प्लीमेंट किया गया था, ओके। और सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट मेरा कि बेसिकली जो हमारे 3 नवोदय विद्यालय हैं वो कौन कौन से हैं, वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा यहाँ पर कि बेसिकली हमारा कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड ऑल्सो गिव द आंसर्स। ओके थैंक यू बच्चों।